हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं दिशा स्वागत करती हूँ आपके अपने परिवार फिजिक्स गुरु में, जहाँ हम पढ़ रहे हैं ग्रेजुएशन के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स। ये क्लास हमारी केमिस्ट्री के लिए है और इसमें हमारी जो बीएससी फोर्थ सेमेस्टर की जो यूनिट चल रही है वो फोर्थ कम्प्लीट हो चुकी है। आज हमारी यूनिट चलेगी फिफ्थ। कौन सी यूनिट चलेगी? यूनिट फाइव। यूनिट फोर हमारी कम्प्लीट हो चुकी है। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ हमारी कम्प्लीट हो गई है। आज हम पढ़ेंगे फिफ्थ यूनिट। कौन सी यूनिट है? आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। क्योंकि आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में हम पढ़ चुके हैं, सेमेस्टर फोर्थ में ही हम आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में पढ़ चुके हैं, डिटेल से पढ़ चुके हैं, तो आज हम इसके बारे में यहाँ ज़्यादा बात नहीं करेंगे। ये वीडियो हमारी ज़्यादा लंबी नहीं रहेगी, 10-15 मिनट की रहेगी। क्योंकि अगर आपको आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ना है तो वीडियो में आप इन्हीं फोर्थ सेमेस्टर की केमिस्ट्री की वीडियो में जाके देखो, लेक्चर करा रखा है, वहाँ जाके आप इसे जरूर देख लेना। याद नहीं हो तो देख लेना और नोट्स भी वहीं से ही बना लेना, ठीक है? तो आज आईआर स्पेक्ट्रोस्कोप के बारे में थोड़ी बहुत हम बात करेंगे और ये हमारी यूनिट फिफ्थ, ज़्यादा लेंथी नहीं है। एक दो दिन में, दो दिन में ये ख़त्म हो जाएगी, ठीक है? क्या हो जाएगी? ये दो एक दिन में ख़त्म हो जाएगी। तो ये जो हमारी आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी है, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी, दैट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट टूल टू स्टडी स्ट्रक्चर वर्क ऑफ एनी कंपाउंड। किसी भी कंपाउंड में क्या फंक्शनल ग्रुप है, क्या फंक्शनल ग्रुप है, इसका आइडेंटिफिकेशन इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी से कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं हम कि यहाँ कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, इसका आइडेंटिफिकेशन हम इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी से कर सकते हैं, ठीक है? अब अगर हम बात करें यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी की, यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी का भी हमारा चैप्टर हो चुका है, यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी भी आप देख लेना जिसने ना देखा हो। लेकिन हमारा टॉपिक आज क्या है? आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। जो हमारा यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी है तो इसकी हेल्प से हम क्या समझ पाए थे कि हमारा कंपाउंड क्या होगा। हमने इसकी सहायता से क्या पता चला था हमारा यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी की सहायता से कि हमारा जो कंपाउंड है वो सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है, ठीक है? ये किससे पता चला था? हमारा यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में हमने ये पता करा था, ठीक है? अगर कोई भी कंपाउंड यूवी स्टडी देता है तो वो क्या होगा? वो अनसैचुरेटेड होगा। क्या होगा? अनसैचुरेटेड होगा। अगर वह अनसैचुरेटेड है तो क्या उसमें कंजुगेशन प्रेजेंट है, ठीक है? अगर वह अनसैचुरेटेड है तो क्या उसमें कंजुगेशन भी प्रेजेंट है? तो ये सब पता, ये इसका आइडिया किसने दिया? इसमें इसका आइडिया भी हमें यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी ने दिया, ठीक है? कि वे अनसैचुरेटेड है या उसमें कंजुगेशन प्रेजेंट है, ये सब हमें पता किससे चला? यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी से हमें पता चला। पर जो हमारी यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी है, यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी ने यह कोई आइडिया नहीं दिया कि इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप होगा। फंक्शनल ग्रुप के बारे में यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी ने कोई आइडिया नहीं दिया कि क्या फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होगा। इस गैप को फिल करने के लिए जो इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी है या आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के थ्रू हम ये पता लगा सकते हैं कि हमारे कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, ठीक है? आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है वो बताती है कि फंक्शनल ग्रुप कौन सा है। जो हमारी इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी है वो क्या बताती है? विच फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट, विच फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट इन आवर कंपाउंड। फंक्शनल ग्रुप की जो पहचान होती है वो आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी देती है, ठीक है? इतना क्लियर? ये मैं पढ़ा चुकी हूँ। यहाँ समझ में नहीं आएगा तो वहां देख लेना। अगर यहाँ दोबारा बता रही हूँ तब भी समझ में नहीं आ रहा तो क्या ही कर सकते हैं, पहले भी समझा रखा है, ऐसा नहीं है हम पहली बार समझ रहे हैं। तो जब कोई कंपाउंड आईआर रेडिएशन को ऑब्जर्व करेगा तो उसकी कुछ एनर्जी में क्या आएगा? चेंजेस आ जाएगा। पता है हमें, जब कोई कंपाउंड है उस पर आईआर रेडिएशन को डालते हैं तो आईआर रेडिएशन को क्या करेगा? एब्जॉर्व करेगा। तो एब्जॉर्व करेगा तो उन एनर्जी को में क्या आएगा? कुछ चेंजेस आ जाएगा। क्या आएगा? चेंजेस आ जाएगा। और उन एनर्जी चेंजेस को हम स्पेक्ट्रा की फॉर्म में क्या कर लेते हैं? रिकॉर्ड कर लेते हैं।
और उसका क्या करते हैं, अध्ययन करेंगे, स्टडी करेंगे, यानी आईआर या इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी में। ठीक है, जब कोई कंपाउंड आईआर रेडिएशन को अब्जॉर्व करेगा तो उसकी कुछ एनर्जी में चेंजेस आ जाएगा, उन एनर्जी चेंजेस को हम स्पेक्ट्रा की फॉर्म में रिकॉर्ड कर लेंगे और स्टडी करेंगे आईआर इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी में, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी या आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब इसमें हम बात करते हैं आईआर रीजन की, किसकी आईआर रीजन, ये थोड़ा सा यूवी विजिबल स्पेक्ट्रो यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में ये बता दिया गया कि यूवी में क्या क्या चीज हम नहीं पहचान पाए थे, कि यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी से हमें किस चीज का आइडिया नहीं लग पाया था, तो फिर हमें आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या उस चीज का पता कर सकते हैं, जैसे कि फंक्शनल ग्रुप, तो आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी से हम ये पता कर सकते हैं कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है। अब बात करते हैं हम आईआर रीजन की, ये आईआर रीजन के बारे में भी हमने पहले पढ़ रखा है पूरा का पूरा, आप उसे जाके वहां नोट्स जरूर बना लेना, छोड़ मत देना। ये जो है हमारा 2.5 माइक्रो, ठीक है, 2.5 माइक्रो से लेकर 15 माइक्रो तक का जो रीजन है, इस रीजन को हम क्या बोलते हैं, आईआर रीजन। जो हमारा 2.5 माइक्रो से लेकर 15 माइक्रो तक के रीजन को क्या बोलते हैं, हम आईआर रीजन बोलते हैं। ये रीजन जो है हमारा विजिबल और माइक्रोवेव के इन बिटवीन होता है, यानी विजिबल और माइक्रोवेव के किसमें, बीच में होता है। एक बार आप इधर देखो, ये देखो टेबल, ये वहां बनी हुई है, आप वही देख लेना, यहाँ मैं फिर रफली सा बना देती हूँ। ठीक है, ये रफली सा बनाती हूँ, गामा रेज, एक्स रेज, ये हमारा गामा रेज हो गया, ये हमारा एक्स रेज हो गया, गामा रेज, एक्स रेज, यूवी, ये विजिबल हो गया हमारा, यहाँ आईआर आ जाएगा हमारा, इंफ्रारेड, इंफ्रारेड, यहाँ हमारा माइक्रोवेव आ जाएगा, माइक्रोवेव, यहाँ हमारा रेडियो वेव्स आ जाएगा, क्या आ जाएगा, रेडियो वेव्स। तो इसमें क्या है, हमारा जो इंफ्रारेड है वो क्या है, इंफ्रारेड रीजन जो है वो यूवी विजिबल और माइक्रोवेव के इन बिटवीन है ना, बीच में तो है, यूवी विजिबल और माइक्रोवेव के बीच में है, ये बात बताई थी। ठीक है, अब देखो वहां वो वाली वीडियो आप जरूर देख लेना और वहीं से आप नोट्स बना लेना। अब देखो हमें पता है वन माइक्रो में कितने, वन माइक्रो ये है, वन माइक्रो इक्वल टू कितना होता है, 10^-4 सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी होती है, इतनी होती है, अगर हम इसको सेंटीमीटर इनवर्स में लिखते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा, इसको अगर हम सेंटीमीटर इनवर्स में लिखेंगे तो 400 to 4000 सेंटीमीटर इनवर्स, ये तो आएगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको ही हम क्या बोलते हैं, आईआर रीजन। अब देखो आईआर स्पेक्ट्रम क्या होता है, आईआर स्पेक्ट्रम क्या होता है, जब कोई कंपाउंड आईआर रेडिएशन को अब्जॉर्व करता है, ठीक है, जब कोई कंपाउंड आईआर रेडिएशन को क्या करता है, अब्जॉर्व करता है, तो कुछ सैंपल के थ्रू अब्जॉर्व हो जाती है, कुछ अब्जॉर्व के बिना क्या हो जाती है, ट्रांसमिट हो जाती है, इतनी बात हमें पता है। तो अगर हम ग्राफ प्लॉट करें एब्जॉर्बेंस और फ्रिक्वेंसी के बीच या ट्रांसमिट और फ्रिक्वेंसी के बीच में, तो उसी को क्या बोलते हैं हम, आईआर स्पेक्ट्रम। कोई कंपाउंड है, ये मॉलिक्यूल है, जब इस पे आईआर रेडिएशन डाली जाती है, ये हमें पता है शुरू से पढ़ता है, तो ये कुछ को तो एब्जॉर्ब कर लेगा रेडिएशन को, और कुछ को क्या कर देंगे, इमिट, कुछ को क्या कर देगा, एब्जॉर्ब, कुछ को करेगा ये
ट्रांसमिट कर देगा, कुछ को तो कर देगा एब्जॉर्ब, कुछ को ट्रांसमिट कर देगा। तो अगर हम ग्राफ प्लॉट करें एब्जॉर्बेंस, ठीक है, एब्जॉर्बेंस और फ्रीक्वेंसी, या ट्रांसमिटेंस और फ्रीक्वेंसी के बीच के, तो इस ग्राफ को क्या बोलते हैं हम, IR स्पेक्ट्रम, ठीक है, एब्जॉर्बेंस और ट्रांसमिटेंस वर्सेस फ्रीक्वेंसी, इसी को क्या बोलते हैं हम IR स्पेक्ट्रम, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम IR स्पेक्ट्रम। तो ये हमारा हो गया IR स्पेक्ट्रोस्कोपी। ज्यादा डिटेल में बात नहीं करी, फिर भी बहुत कुछ कर लिया। आप पीछे वीडियो में जाके देख लेना, वापस से मैं बड़ा कराऊंगी, फिर आपका वही जो चीज हमने पढ़ ली एक बार तो दोबारा क्या पढ़े, और जबकि अभी पढ़ी है। अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे, इनके प्रिंसिपल के बारे में, ठीक है, प्रिंसिपल के बारे में पढ़ लेंगे। अब क्या आएंगे इनके, हमारे प्रिंसिपल। जब कोई मॉलिक्यूल किसी रेडिएशन को अब्सॉर्ब करता है, जब कोई मॉलिक्यूल किसी रेडिएशन को क्या करता है, अब्सॉर्ब करता है, तो तीन तरीके के एनर्जी चेंजेस आते हैं। पढ़ रखा है हमने कौन कौन से, रोटेशनल, इनमें चेंजेस आते हैं रोटेशनल, वाइब्रेशनल, रोटेशनल और वाइब्रेशनल रोटेशनल। इसमें स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए तो आप ठीक कर लेना, मेरी मिस्टेक हो जाए तो कोई बात नहीं, आपकी नहीं होनी चाहिए। और इलेक्ट्रॉनिक, इन्हीं में तो चेंजेस आते हैं, हमने पढ़ भी रखा है, पूरा का पूरा पढ़ रखा है इसमें। तो जब कोई जो मॉलिक्यूल है किसी रेडिएशन को ऑब्जर्व करता है, तो तीन तरीके के चेंजेस आते हैं, रोटेशनल, वाइब्रेशनल, रोटेशनल, इलेक्ट्रॉनिक। तो ये तीन, तो क्या है, इन तीनों एनर्जी चेंजेस में जो IR रेडिएशन एनर्जी चेंज शो करता है वो है वाइब्रेशनल, रोटेशनल। अब ये जो तीन तरह के चेंजेस है एनर्जी चेंजेस, तो इसमें IR जो है वो कौन सी शो करता है, IR कौन सी शो करता है चेंज, एनर्जी चेंज ये, तो इसीलिए IR स्पेक्ट्रोस्कोपी को हम वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहते हैं। क्या, वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहते हैं। इतनी बात हमें पता ही है, ये जो हमारे वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल है इनके बीच में ये क्या होते हैं, रोटेशनल एनर्जी लेवल्स होते हैं। जब वाइब्रेशनल एनर्जी में चेंज आएगा तो रोटेशनल एनर्जी में तो चेंज खुद ही आएगा, क्योंकि इनके बीच में क्या होते हैं, रोटेशनल एनर्जी, वाइब्रेशनल एनर्जी के बीच में क्या होते हैं, रोटेशनल, ये रोटेशनल एनर्जी लेवल, बहुत सारे बीच में ये सब कुछ बताया हुआ है आपको। तो अब बात करते हैं इसके प्रिंसिपल की, IR के प्रिंसिपल की। तो इसका प्रिंसिपल यह है कि जब कभी भी कोई कंपाउंड IR रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा तो उसकी वाइब्रेशनल एंड रोटेशनल, ठीक है, उसकी वाइब्रेशनल एंड रोटेशनल एनर्जी में चेंजेस आएंगे। ये जो ऑब्जर्वेशन होता है ये क्या होता है, क्वांटाइज्ड होता है। क्या होता है, क्वांटाइज्ड होता है। एक बार और सुन लो जो इसका प्रिंसिपल है, क्या है, जब कभी भी कोई भी कंपाउंड IR रेडिएशन को एब्जॉर्व करेगा तो उसकी वाइब्रेशनल एंड रोटेशनल एनर्जी में क्या आएंगे, चेंजेस आएंगे। ये जो ऑब्जर्वेशन होता है ये कैसा होता है, क्वांटाइज्ड होता है। कैसा होता है, क्वांटाइज्ड होता है। क्वांटाइज्ड होने की वजह से जो हमें स्पेक्ट्रम मिलता है वो लाइंस की फॉर्म में मिलेगा। किसकी फॉर्म में मिलेगा, लाइंस की फॉर्म में। जब कोई भी कंपाउंड किसी भी IR रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है तो उसकी वाइब्रेशनल एनर्जी में चेंजेस आ रहे हैं। ये जो चेंजेस आ रहे हैं कुछ फैक्ट्स पर डिपेंड करते हैं। क्या करते हैं, ये चेंजेस जो होते हैं किस पे डिपेंड करते हैं, कुछ फैक्ट्स पे डिपेंड करते हैं। ये हम क्या पढ़ रहे हैं, प्रिंसिपल पढ़ रहे हैं, ठीक है, प्रिंसिपल पढ़ रहे हैं हम। तो किन किन फैक्ट्स पे डिपेंड करता है वो देख लो।
पहला मास ऑफ द एटम प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल, किस पे डिपेंड करता है? मास ऑफ द एटम प्रेजेंट इन द मास ऑफ द एटम्स प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल। जो कंपाउंड हमारा रेडिएशन अब्जॉर्ब कर रहा है उसमें जो कंपाउंड है हमारा वो क्या कर रहा है, रेडिएशन अब्जॉर्ब कर रहा है, तो उसमें जो भी एटम्स प्रेजेंट है उनका मास क्या है इस पर भी क्या करता है, डिपेंड करता है। और किस पे डिपेंड करता है? अरेंजमेंट ऑफ एटम्स विद इन ए मॉलिक्यूल, इस पर भी डिपेंड करता है, ठीक है। इस पर भी ये चेंजेस क्या करेंगे, डिपेंड करेंगे। जो चेंजेस होते हैं हमारे किसमें, वाइब्रेशनल में, तो इन पे डिपेंड करते हैं मास ऑफ द एटम प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल, अरेंजमेंट ऑफ एटम विद इन ए मॉलिक्यूल। और किस पे डिपेंड करेगा? द स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड, किस पे डिपेंड करेगा? बॉन्ड की स्ट्रेंथ पर डिपेंड करेगा कि जो मॉलिक्यूल में एटम प्रेजेंट है वो उनके जिन बॉन्ड से वो अटैच है उनकी स्ट्रेंथ क्या है, उस पे ये चेंजेस क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं। ये हमारा प्रिंसिपल था इसका, आईआर का, जो हमने पहले नहीं पढ़े थे, तो प्रिंसिपल के नोट्स आपको मिल जाएंगे। बाकी आईआर के बारे में आप वहां पढ़ लेना, जो पहले वाली वीडियो है उसमें आईआर के बारे में पढ़ लेना, उसमें हमने फंडामेंटल वाइब्रेशन के बारे में भी बताया है, फंडामेंटल वाइब्रेशन, ठीक है, इसके बारे में भी वहां बताया गया है, वहां कर लेना। टाइप्स है इसमें स्ट्रेचिंग, ये पढ़ रखा है, जिन्होंने ये फोर्थ सेमेस्टर स्टार्टिंग से देखा है उनको पता होगा कि हमने ये पढ़ रखा है। स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन है इसमें, और बेंडिंग वाइब्रेशन, ये हमने इनके टाइप्स और ये सब पढ़ रखे हैं। तो ये हमारा यूनिट फिफ्थ में है, ठीक है, ये यूनिट फिफ्थ में आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी इंट्रोडक्शन है, इसके प्रिंसिपल है, इसका फंडामेंटल वाइब्रेशन है। तो ये सब आप कर लेंगे पुराने वाली वीडियो में देख के, अपने एक जगह सारे नोट्स बना लेंगे, ठीक है। तो ये मैं नहीं बता रही हूँ, ये इतना ही है। इसमें नॉन फंडामेंटल वाइब्रेशन भी है हमारा, क्या फंडामेंटल तो है ही, नॉन फंडामेंटल वाइब्रेशन भी है। इसका एग्जाम्पल ओवरटोन्स बैंड है, ये भी हमने करा रखे हैं, ये भी आप वहां जाके कर लेंगे, ठीक है, कर लेना। जो हमारे ये नॉन फंडामेंटल बैंड के बारे में सुन लो थोड़ा सा, जो हमारे फंडामेंटल बैंड है वो क्या होते हैं, फंडामेंटल वाइब्रेशन हमारे आईआर इनएक्टिव होते हैं और रमन एक्टिव होती हैं। और जो हमारे नॉन फंडामेंटल वाइब्रेशन होते हैं वो कैसे होते हैं, जब हमारे आईआर स्पेक्ट्रा में नंबर ऑफ बैंड इंक्रीज होते हैं, जब हमारे आईआर स्पेक्ट्रा में नंबर ऑफ बैंड इंक्रीज होते हैं तो कुछ एडिशनल नॉन फंडामेंटल बैंड्स के बढ़ने के कारण ये बैंड्स क्या होते हैं, बहुत वीक होते हैं, इनकी इंटेंसिटी फंडामेंटल बैंड की कंपैरिजन में क्या होती है, कम होती है। और इनका एग्जांपल ओवरटोन बैंड्स है, वो हम उसमें से पढ़ लेंगे। तो आज हमारा यही था, ठीक है, ये हमारा रिपीट हो गया आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। मैं फिर बता रही हूँ, आप पिछले वाली वीडियो में जाके आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में लिख लोगे, फिर उसके आप क्या लिखोगे, फंडामेंटल वाइब्रेशन और नॉन फंडामेंटल वाइब्रेशन के बारे में लिख लेंगे,
उसमें ओवरटोन्स के बारे में लिखेंगे, फिर हम लिखेंगे इसके प्रिंसिपल के बारे में। प्रिंसिपल के बारे में वहाँ नहीं लिखा हुआ है, प्रिंसिपल के बारे में आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके प्रिंसिपल के बारे में और नॉन फंडामेंटल के बारे में नोट्स आपको मिल जाएंगे, वो ले लेना आप यहाँ से, बाकी नहीं मिलेंगे। और आपको क्या करना है इसमें, इसके प्रिंसिपल लिखने हैं। और ये आज के लिए इतना ही। अब इसमें हमारा एक टॉपिक बचा है, वो शायद हुक्सला है, उसको हम कल कर लेंगे और यूनिट फिफ्थ भी हमारी कंप्लीट हो जाएगी, फिर हम यूनिट सिक्स शुरू कर देंगे। फिर जो हमारे ऑब्जेक्टिव वाले हैं उनकी प्रैक्टिस कर लेंगे, हम प्रैक्टिस करेंगे इसमें, फिर हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो हम प्रैक्टिस करनी शुरू कर देंगे। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। फिर बोलूँगी वो वाली वीडियो जरूर देख लेना, आई आर स्पेक्ट्रोस्कोपी, वहाँ से जाके नोट्स जरूर बना लेना। एक अगर आप बना लोगे अभी के अभी तो आपको परेशानी नहीं होगी, आपको एग्जाम टाइम में क्या होगा, नोट्स देखोगे और अपना तैयार हो जाएगा। अगर आप ऐसे ही रहोगे क्या रहे ये तो भूल गए ये है वो, ऐसा नहीं चलेगा, कर लेना नोट्स बना लेना। बता दिए हैं मैंने कैसे कैसे बनाना है, ठीक है। और आज के लिए इतना ही, थैंक यू।